एक बार फिर से स्वागत है सभी का अपने श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन भादरा के यूट्यूब चैनल पे। मैं योगेश जांगिड़, अर्थशास्त्र बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के बारे में अपनी चर्चा कर रहे थे और उसके अंतर्गत दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज नेक्स्ट जो चैप्टर हम कंप्लीट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर आपके 6, सीरियल नंबर की बात करूँ तो चैप्टर नंबर 6। और इस चैप्टर के अंतर्गत जो मूल बेसिक जो बातें हैं उन बातों की चर्चा इसके अंतर्गत करेंगे अपने, जिसके अंतर्गत मूल अवधारणाओं के अंतर्गत वस्तुएं, सेवाएं, इच्छा, आवश्यकता, मांग, उपयोगिता, लागत, मूल्य, धन, पूंजी, आय और कल्याण, ये सभी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उसके मूल अवधारणाएँ होती है। सबसे पहले अपने बेसिक की बात करेंगे, सबसे पहले इनके अंतर्गत जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वस्तुएं। तो वस्तुएं किसी वस्तु विशेष, किसी पदार्थ या वस्तु का वह गुण होता है जो व्यक्ति विशेष के जीवन के अंतर्गत उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी चीज़ का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार मेरे हाथ में आपको मार्कर दिख रहा होगा ये एक प्रकार की वस्तु है और इस वस्तु की जो उपयोगिता है वो लिखने के अंतर्गत है। तो किसी वस्तु विशेष के अंतर्गत उपयोगिता का गुण अगर अपने सर्जित करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, वस्तु कहलाएगी। इसी प्रकार सेवाएं, सेवाओं के अंतर्गत अपने बात करें तो सेवाएं आप लोगों के प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होती है। जिस प्रकार एक दुकानदार द्वारा आपकी सेवा की जाती है, एक डॉक्टर के द्वारा आपको परामर्श के रूप में सेवा की जाती है, एक टीचर द्वारा पढ़ा के आपकी सेवाएं की जाती हैं, तो ये चीज़ क्या होती हैं, सेवाएं होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इच्छा की। इच्छा किसी वस्तु विशेष के पीछे की आवश्यकता होती है, किसी वस्तु विशेष के इस्तेमाल के पीछे की कड़ी होती है। इच्छा का मतलब आप लोग किसी वस्तु विशेष का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो आपकी आवश्यकता के अंतर्गत है, तो वो आवश्यकता किसी वस्तु के प्रति हमारी क्या उत्पन्न करती है, इच्छा उत्पन्न करती है। इसी के अंतर्गत आवश्यकता, आवश्यकता की अगर अपने बात करें तो आवश्यकता जो है वो इच्छा से, इच्छा जो है वो आवश्यकता के कारण उत्पन्न हुई है। और आवश्यकता की बात करूँ तो आवश्यकता की पूर्ति जो है वो साधन के माध्यम से होती है। साधन का मतलब यहाँ पे मूल्य से है, आपकी आय से, यानी आवश्यकता किसी वस्तु विशेष का वह गुण होता है जो किसी समय विशेष के अंतर्गत किसी व्यक्ति की जो जरूरत है उसको पूरा करने का कार्य करता है। इसकी आगे चर्चा विस्तार से करेंगे। मांग, मांग किसी वस्तु की वह मांगी गई मात्रा है जो बाजार में प्रचलित कीमतों पर एक उपभोक्ता उसे खरीदने के लिए तैयार रहता है। यानी सीधे शब्दों में कहा जा सकता है कि मांग बाजार की वह स्थिति है जिसके अंतर्गत एक उपभोक्ता किसी वस्तु विशेष को खरीदने के लिए तैयार होता है। वो उस वस्तु विशेष को खरीदने के पीछे जो उसका एक निर्धारित मूल्य है, उस निर्धारित मूल्य के आधार पर जितनी मात्रा खरीदने को तैयार रहता है वो उस वस्तु की क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। उसके बाद में बात है उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब होता है किसी वस्तु विशेष के अंतर्गत ऐसे गुणों का सर्जन करना जिससे उसका उपयोग बढ़े, यानी मानव जीवन के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए इसी का इस्तेमाल हो। जिस प्रकार इसकी उपयोगिता क्या लिखने की है, तो उपयोगिता सर्जन का कार्य इसके अंतर्गत किया गया है, इसके अंतर्गत निब डाली गई है, शाही की व्यवस्था की गई है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसको क्या बनाती है, उपयोगी बनाती है। तो उपयोगिता क्या होता है, किसी वस्तु विशेष का वह गुण है जो किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता को संतुष्ट करने का कार्य करता है, वो उस वस्तु की क्या कहलाती है, उपयोगिता कहलाती है। इसी प्रकार लागत की बात करें, कॉस्ट की बात करें, तो किसी वस्तु विशेष के निर्माण के पीछे का जो खर्च होता है वो उसकी लागत होती है। लागतों की बात करूं तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतें होती हैं। प्रत्यक्ष लागतें जो जिस प्रकार एक कर्मचारी की सैलरी, किसी भवन का किराया, इलेक्ट्रॉनिक बिल, ट्रांसपोर्ट चार्ज, ये सभी किस में आते हैं आप लोगों के, प्रत्यक्ष। अगर अप्रत्यक्ष लागतों की बात करूं तो व्यक्ति विशेष के स्वयं द्वारा किया गया उसके अंतर्गत कार्य है, या निजी भवन है, या निजी व्हीकल है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, अप्रत्यक्ष। यानी लागत वह चीज़ है जो किसी वस्तु विशेष के निर्माण के पीछे एक उत्पादक द्वारा क्या की जाती है, खर्च की जाती है, वो उसकी क्या कहलाती है, लागत कहलाती है। इसी प्रकार धन, पूंजी, आय और कल्याण,
ये सारी चीज़ें आप लोगों के शास्त्र की मूल अवधारणाओं के अंतर्गत है, इनकी विस्तृत चर्चा अपने आगे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने वस्तुओं और सेवाओं की। तो वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ में अगर अपने बात करें तो वस्तुओं और सेवाओं का सीधा सीधा जो अर्थ दिया गया आप लोगों के, इसके अंतर्गत किसी वस्तु और सेवा का मुख्य उद्देश्य है हमारी आवश्यकताओं की क्या होती है, संतुष्टि होती है। और जिन चीज़ों के अंतर्गत हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि का गुण पाया जाएगा वो क्या कहलाएंगी, वस्तुएं और सेवाएं कहलाएंगे। जिस प्रकार वस्तु की बात करूं तो वस्तु के अंतर्गत मैंने आपको एक उदाहरण दिया इसे मार्कर का। इसके अलावा कोई भी आपके जीवन के अंदर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आप इस्तेमाल करते हो, जिस प्रकार पाँव में पहनने के लिए चप्पल है, आपके कपड़े हैं, आपका व्हीकल है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं जो आपकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता रखती हैं। सेवाओं के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया जिस प्रकार एक डॉक्टर, एक टीचर है, एक वकील है, ये सभी किस में आते हैं, सेवा में आते हैं। तो वस्तु और सेवा किन्हें कहा जाएगा, वस्तु और सेवा उन्हें कहा जाएगा जिनके अंतर्गत व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्या पाई जाएगी, क्षमता या गुण पाया जाएगा। तो उस चीज़ को अपने किस नाम से जानेंगे, वस्तुओं और सेवाओं के नाम से जाना जाता है। अब अपने बात करते हैं जो वस्तुएं और जो सेवाएं हैं, उन वस्तुओं और सेवाओं को कितने भागों में बांटा गया है, उनका वर्गीकरण कितने रूप में किया गया है। तो वर्गीकरण की बात करो तो मुख्य रूप से इसमें 6 प्रकार का वर्गीकरण है। कितने प्रकार का वर्गीकरण है, 6 प्रकार का। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, केवल बेसिक जो बातें उनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। केवल अपने दैनिक जीवन के अंतर्गत जो चीज़ें हम इस्तेमाल में करते हैं, जो शब्द उपयोग में लिए जाते हैं, उन्हीं चीज़ों का वर्णन यहाँ पर किया गया, उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा गया। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं आप लोगों के भौतिक और अभौतिक वस्तुओं की। भौतिक और अभौतिक वस्तुओं की अगर मैं बात करूँ तो भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत वे वस्तुएँ आती हैं जिनको अपने देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जिस प्रकार मेरे हाथ में मार्कर, ये किस में आएगा आप लोगों के, भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत आएगा। यानी भौतिक वस्तुएं वे होती हैं जिसे अपने देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कहने का मतलब कंप्यूटर भाषा में बात करूं तो इसको क्या कहा जाएगा, हार्डवेयर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, हार्डवेयर। जिस प्रकार आपका माउस, कीबोर्ड, ये सभी किस में आते हैं, आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आप इसे छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। वो चीज़ें क्या कहलाएंगे आप लोगों के, भौतिक वस्तुएं कहलाएंगे। अभौतिक वस्तुओं की बात करूं तो अभौतिक वस्तुओं का मतलब होता है जिसे केवल क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। वो किसके अंतर्गत आएगी आप लोगों के, अभौतिक वस्तुओं के अंतर्गत आएगी। जिसके अंतर्गत अपने बात करें मुख्य रूप से आप लोगों के एक व्यक्ति विशेष का जो गुण है वो किस में आएगा आप लोगों के, अभौतिक में। जिस प्रकार एक डॉक्टर के अंतर्गत किस प्रकार की कैपेबिलिटी है, किस प्रकार की क्षमता है, जिस प्रकार एक वकील बहस करने की क्षमता है, जिस प्रकार एक टीचर के अंतर्गत पढ़ाने की क्षमता है, ये सभी चीज़ें किस में आएंगी आप लोगों के, अभौतिक वस्तुओं के अंतर्गत आएंगी। क्योंकि उन चीज़ों को केवल आप सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू नहीं सकते। जबकि भौतिक में क्या होगा, भौतिक में वे वस्तुएं शामिल होंगी जिन्हें आप देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। जबकि इसमें अभौतिक के अंतर्गत है, छुआ नहीं जाएगा, केवल उसको महसूस किया जाएगा, देखा जाएगा। दूसरा बात करते हैं हस्तांतरणीय और अहस्तांतरणीय। हस्तांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज़ को भेजना। जिस प्रकार भूमि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा खरीदने के बाद अगर उसे दूसरे को बेच दिया जाता है तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, हस्तांतरणीय वस्तुएं कहलाएंगी। कौन सी वस्तुएं कहलाएंगी, हस्तांतरणीय वस्तुएं। चाहे वो वस्तु के वस्तु बदले में हो, चाहे वो वस्तु के पूंजी के रूप में। जिस प्रकार आप लोगों ने पढ़ा होगा वस्तु विनिमय में पढ़ा होगा, यानी वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता है, वो भी किस में आएगा, हस्तांतरणीय में आएगा। चाहे वो आपके वस्तु के बदले वस्तु का हो, चाहे वस्तु की तुलना में पूंजी का हो, किसके अंतर्गत आएगा, हस्तांतरणीय वस्तुओं के अंतर्गत आएगा। अस्थांतरणीय वस्तुओं की अगर अपने बात करें तो इसके अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है जिनके अंतर्गत खरीदना बेचना, स्वामित्व बदलना संभव नहीं होता। यानी स्वामित्व इसके अंतर्गत किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। अब जिस प्रकार एक टीचर का गुण है, उसके पढ़ाने का तरीका है, वो कभी हस्तांतरित नहीं हो सकता। एक डॉक्टर का जो ज्ञान है वो कभी हस्तांतरित नहीं हो सकता। हस्तांतरित वस्तुएँ कौन सी होंगी, जिसे मूल्य में या
वस्तु विशेष में बदला जा सकता है, जिस प्रकार मैंने भूमिका बताया, किसी वस्तु विशेष की खरीद के बारे में बताया। लेकिन अहस्तांतरणीय वस्तुएं वे होती हैं जो क्या नहीं की जा सकती, किसी व्यक्ति विशेष के स्वामित्व से दूसरे व्यक्ति विशेष के स्वामित्व में बदली नहीं जा सकती। जिस प्रकार मैंने बताया, एक डॉक्टर का जो ज्ञान वो हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, वो कौन सी वस्तुओं में आएगा, अहस्तांतरणीय वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार तीन नंबर की अगर बात करें तो तीन नंबर के अंतर्गत आता है उपभोग और उत्पादन वस्तुएं। उपभोग और उत्पादन वस्तुओं की मैं अगर बात करूं तो उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका व्यक्ति विशेष के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग किया जाता है। उपभोग, उप का भोग यानी किसी वस्तु विशेष का इस्तेमाल। अब जिस प्रकार आप लोग घर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीद के लेके आते हैं, उन वस्तुओं के खरीदने का उद्देश्य आप लोगों के उसका उपयोग होता है। चाहे आप लोगों के द्वारा बाजार से खरीदी गई सब्जी हो, चाहे आपके द्वारा खरीदा गया चावल हो, चाहे आपके द्वारा किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ हो, उस वस्तु विशेष के खरीदने का पीछे का उद्देश्य होता है उसका इस्तेमाल या उपभोग करना। तो उपभोग वस्तुएं कौन सी होती हैं, उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपयोग की दृष्टि से खरीदी जाती हैं और उसे आगे बेचा नहीं जाता या जिनका पुनः निर्माण संभव नहीं है। जिस प्रकार बाजार से बिस्किट आप लेके आते हो, उस बिस्किट को खरीदने का उद्देश्य होता है उसका इस्तेमाल यानी उपभोग। अब बिस्किट से आप किसी प्रकार की और वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते, उसे आप पुनः निर्माण नहीं कर सकते, यानी जो चीज़ें बन गई वो उसी रूप में रहेगी, उसका रूप परिवर्तन अपने नहीं कर सकते। वो वस्तुएं कौन सी कहलाएंगी, उपभोग वस्तुएं कहलाएंगी। दूसरा इसमें दिया गया है उत्पादन वस्तुएं। उत्पादन वस्तुओं की अगर अपने बात करें तो उत्पादन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके इस्तेमाल अन्य वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है, जिसके अंतर्गत उदाहरण के रूप में बात करूँ तो ईंधन, बीज, खाद, ये सभी किसके अंतर्गत है, उत्पादन। जिस प्रकार बीज और खाद जो वस्तुएँ हैं, बीज और खाद जो वस्तुएं हैं, वो खाद और बीज जो हैं वो उत्पादन वस्तुएं, उनका इस्तेमाल किसी वस्तु विशेष के उत्पादन में किया जाएगा। वो वस्तुएं कौन सी कहलाएंगी, उत्पादन वस्तुएं। समझ में आया, उपभोग वस्तुएं जो केवल इस्तेमाल के लिए बनती हैं यानी जिनका उपयोग किया जाता है आवश्यकता की संतुष्टि के अंतर्गत, जबकि उत्पादन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो किसी उत्पादन के अंतर्गत सहायक होते हैं। जिस प्रकार फर्नीचर, अब फर्नीचर के अंतर्गत उसके निर्माण के पीछे किसका हाथ रहता है, लकड़ी का हाथ रहता है। अब लकड़ी जो है वो किस क्या है, उसके लिए उत्पादन वस्तु, यानी किसी भी प्रकार के फर्नीचर के निर्माण के पीछे उस लकड़ी का उपयोग क्या है, उत्पादन के लिए। तो वे समस्त वस्तुएं जो किसी वस्तु विशेष के निर्माण के अंतर्गत अपना योगदान देती हैं, सहायता प्रदान करती हैं, उत्पादन वस्तुएं कहलाती हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बिस्किट का उदाहरण बताया, उपभोग वस्तुएं। अब बिस्किट को बनाने के लिए अपने पास आटा भी होना चाहिए, चीनी भी होनी चाहिए, दूध भी होना चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कौन सी वस्तुएँ, उत्पादन वस्तुएँ। यानी कहने का मतलब है किसी वस्तु विशेष के निर्माण के अंतर्गत जिनका योगदान रहता है वो वस्तुएँ क्या कहलाती हैं, उत्पादन वस्तुएं कहलाती है। चार नंबर बात करेंगे अपने निजी और सार्वजनिक वस्तुएं। निजी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसके अंतर्गत स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष का होता है, जिस प्रकार आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका खेत, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगी, निजी वस्तुओं के अंतर्गत आएंगी। जबकि सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन पर व्यक्ति विशेष का स्वामित्व न होकर एक समाज के सभी लोगों का पूर्ण रूप से सभी का समान अधिकार होता है, जिस प्रकार सार्वजनिक बस स्टैंड, सार्वजनिक पार्क, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं आप लोगों के, सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत आती है। यानी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व न होते हुए समूह रूप में सभी लोगों का समान रूप से उसके अंतर्गत अधिकार पाया जाता है, वो वस्तुएं कौन से कहलाती हैं, सार्वजनिक। मेट्रो, रेल, बस, ये सभी किस में आएंगे, सार्वजनिक वस्तुएं। प्राकृतिक और आर्थिक वस्तुओं की बात करें तो प्राकृतिक और आर्थिक वस्तुओं के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल, प्राकृतिक। प्रकृति के द्वारा बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हमें निःशुल्क उपहार के रूप में प्रदान की जाती हैं, जिस प्रकार प्राणवायु, जल, मिट्टी, ये सभी किस में आएंगे आप लोगों के, प्राकृतिक वस्तुओं के अंतर्गत आएंगे। यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे वस्तुएं
जिनके अंतर्गत प्रकृति मनुष्य को निःशुल्क रूप में प्रदान करने का कार्य करती है, लेकिन वर्तमान के अंतर्गत जो प्रकृति के माध्यम से हमें जल प्राप्त होता था उसका भी हमें शुल्क प्रदान है, शुल्क भुगतना पड़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ से उपलब्ध होंगी? प्रकृति से, व्यक्ति विशेष को। जबकि आर्थिक वस्तुओं की बात करूँ तो आर्थिक वस्तुएँ वे वस्तुएँ होती हैं जो एक उपभोक्ता द्वारा उसकी निर्धारित कीमत पर उसको खरीदा जाएगा। जिस प्रकार मेरे हाथ में मार्कर, मैंने बताया आपको पहले, ये एक आर्थिक वस्तु है क्योंकि इसका भुगतान करके हमने इसको क्या किया है, खरीदा। यानी व्यक्ति विशेष के जीवन के अंतर्गत वे समस्त वस्तुएं जिनको हमने किसी न किसी रूप में भुगतान करके प्राप्त किया है वो कौन सी वस्तुएँ कहलाएंगे? आर्थिक वस्तुएँ कहलाएंगे। अंतिम रूप से बात करेंगे अपने बाह्य और आंतरिक। 6 नंबर जो आप लोगों के दिया गया है, बाह्य वस्तुएं और आंतरिक वस्तुएं। तो बाह्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, हस्तांतरण किया जा सकता है। जैसे पहले हमने पढ़ा था भौतिक और अभौतिक और हस्तांतरण और अस्थांतरण, यानी छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, इसको आगे भेजा जा सकता है, वो कौन से आएंगे? बाह्य। जबकि आंतरिक वस्तुएँ कौन सी होंगी? जो अभौतिक होंगी, अहस्तांतरणीय होंगी, जिन्हें आगे भेजा नहीं जा सकता। जिस प्रकार मैंने डॉक्टर का बताया, एक टीचर का बताया, उनका ज्ञान, उनके कार्य करने का तरीका, ये अहस्तांतरणीय अभौतिक होता है। तो मुख्य रूप से कितने भाग इसके? 6 भाग। कौन कौन से? भौतिक और अभौतिक, हस्तांतरणीय और अहस्तांतरणीय, उपभोग और उत्पादन वस्तुएँ, निजी और सार्वजनिक वस्तुएँ, प्राकृतिक और आर्थिक, बाह्य और आंतरिक। ये सभी जो स्वरूप हैं वो आप लोगों के वस्तुओं और सेवाओं के स्वरूप हैं। यानी वस्तुओं और सेवाएं व्यक्ति विशेष के जीवन के अंतर्गत इन रूपों में हमें प्राप्त होती है। आगे चर्चा करेंगे अपने इच्छाएं एवं आवश्यकताएं। अब इच्छा और आवश्यकता और मांग सुनने में तीनों एक जैसे शब्द हैं, लेकिन तीनों का अर्थ अलग अलग होता है। इच्छा किसी भी वस्तु को लेकर मनुष्य के जहन या मस्तिष्क में आ सकती है। अब जरूरी नहीं जिन चीज़ों की इच्छा हम रखते हैं उनके हमारे जीवन के अंतर्गत आवश्यकता, घूमना, मौज मस्ती, इच्छाएं, लेकिन इनकी कोई आवश्यकता नहीं है जीवन के अंदर। इच्छा कब उत्पन्न होती है? जब हमारे जीवन के अंदर किसी चीज़ की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और आवश्यकता को उत्पन्न करने के पीछे क्या होता है? इच्छाएं होती हैं। अब जिस प्रकार आप डॉक्टर बनना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। अब उस इच्छा को पूरा करना, इसे प्राप्त करना, वो हमारी क्या हो जाएगी? आवश्यकता हो जाएगी। तो इच्छा और आवश्यकताओं के संदर्भ में अगर अपने बात करें तो इसके अंतर्गत आप लोगों को ये समझा जा सकता है या आप लोगों को यह जाना जा सकता है, जिसके अंतर्गत ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इच्छा को पूरा करना संभव नहीं होता, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है और साधनों की उपलब्धता जो है वो हमारी आवश्यकता पर निर्भर करती है। अब एक समय विशेष के अंतर्गत हमारी बहुत सी चीज़ों को लेकर इच्छाएं हो सकती हैं। जिस प्रकार आपको फास्ट फूड खाना है, आपको आइसक्रीम खानी है, वो आपकी इच्छाएं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता हमारी क्या? भोजन। अगर हमारे पास हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है तो वो हमारी आवश्यकताओं के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। कहने का मतलब, इच्छाएँ जो हैं वो स्वतंत्र, आवश्यकता अनिवार्यता है, और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे पास साधन होना अनिवार्य होता है, तभी जाके हमारी इच्छाएं क्या होती हैं? पूरी होती हैं। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों की इच्छा होगी वो हमारे लिए आवश्यक हों ये जरूरी नहीं है, और जो आवश्यक है उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? साधन होना चाहिए। साधन का मतलब है धन। साधन का मतलब क्या है? धन। अगर हमारे पास धन है, साधन है, तब तो हम अपनी आवश्यकताओं को क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं, तभी वो हमारी इच्छाएं क्या होंगी? पूर्ण होगी। लेकिन धन के अभाव में, साधन के अभाव में, न तो आवश्यकताएं पूर्ण होंगी और न ही उन इच्छाओं की संतुष्टि हमें प्राप्त होगी। इच्छा को आवश्यकता में परिवर्तन करने के लिए शर्तें, यानी जो विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं उन विचारों को हम अपनी आवश्यकताओं के अंतर्गत किस प्रकार बदलें,
कैसे उस चीज़ को अपनी आवश्यक वाली वस्तुओं के अंतर्गत शामिल करें, तो उसके लिए तीन शर्तें दी गई। सबसे पहले किसी वस्तु के पीछे की इच्छा, सबसे पहले क्या दिया गया है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। अब जब आप बाजार से किसी वस्तु को खरीदने जाते हो तो उस वस्तु के खरीदने के पीछे के आपकी इच्छा का होना अनिवार्य है। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें बाजार में आप लोग देखते हो, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट बाजार के अंतर्गत आप देखते हो जिन्हें आप खरीदना नहीं चाहते, तो वो कभी भी आपकी इच्छा के अंतर्गत शामिल नहीं होगी। इच्छा के अंतर्गत वही चीज़ें शामिल होंगी जिन्हें आप क्या करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो। जो प्राप्त करने के उद्देश्य से जो वस्तुओं का हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारी क्या होगी, इच्छा होगी। तो इच्छा किसके लिए, किसके कारण, किसी वस्तु को प्राप्त करने के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो तीन चीज़ें हैं याद रखना, इच्छा को आवश्यकता में परिवर्तन करने की, इच्छा हो सकती है किसी वस्तु विशेष को खरीदने की, लेकिन जब तक आप उस वस्तु विशेष को खरीदना नहीं चाहोगे तब तक इच्छा आवश्यकता में नहीं बदलेगी। दूसरी जो बात है, उस इच्छा को आवश्यकता में परिवर्तन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, साधन होना चाहिए। अब जेब में पैसा नहीं है और हम अपनी इच्छाएं लेके बैठे हैं तो उन इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होगी। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, साधन होना चाहिए। साधन का मतलब है धन, मुद्रा, मूल्य, ये सारी चीज़ें हमारे पास जब होंगी तभी हम उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना कभी इच्छा आवश्यकता में नहीं बदलेगी। तीसरा जो दिया गया है, त्याग। कंजूस शब्द आपने सुना होगा, पैसा बहुत है लेकिन खर्च नहीं करता, वो कंजूस होता है। इसी के अंतर्गत इच्छा आवश्यकता में तभी बदलेगी जब व्यक्ति विशेष के पास पर्याप्त जो साधन धन है वो उसे खर्च करने के लिए तैयार रहता है या उसका त्याग करने के लिए तैयार रहता है। तो उस परिस्थिति के अंतर्गत आपकी इच्छा जो है वो आवश्यकता के अंतर्गत बदल जाएगी। तो इच्छा को आवश्यकता में बदलने के लिए तीन शर्तें दी गई हैं। सबसे पहली शर्त क्या है, सबसे पहली शर्त क्या है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, अगर किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है तब तक आप उस इच्छा को आवश्यकता में नहीं बदल सकते। अब इच्छा है किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तो दूसरी शर्त आ गई उसके पीछे साधन की, भी हमारे पास धन होना चाहिए उसे खरीदने के लिए। तीसरा, अगर धन भी है और उसे खर्च करने की हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई क्षमता या हम उस धन का त्याग नहीं करना चाहते तो उस परिस्थिति के अंदर इच्छा आवश्यकता में नहीं बदलेगी। इच्छा आवश्यकता में बदलने के लिए यह अनिवार्य है कि जो साधन, जो धन है वो हम खर्च करने के लिए तैयार रहें, उसका त्याग करने के लिए हम क्या रहें, तैयार रहें, तब जाके आपकी इच्छा किस में बदल जाएगी, आवश्यकता के अंदर बदल जाएगी। इसके बाद में चर्चा करते हैं अपने आवश्यकताओं के निर्धारक तत्वों की। किसी प्रकार की आवश्यकता को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से, सबसे पहला तत्व दिया गया आपके आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों की अगर अपने बात करें तो आर्थिक कारकों के अंतर्गत आप लोगों के सबसे पहली जो चीज दी गई है वो आय एवं रोजगार, क्योंकि आवश्यकता जो है वो किससे पूरी होगी, धन से पूरी होगी, किससे पूरी होगी, धन। अगर हमारे पास किसी प्रकार की आय या रोजगार नहीं है तो उस परिस्थिति के अंतर्गत हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, और इच्छाओं को आवश्यकता में बदलने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी होता है, धन जरूरी होता है। और धन किस रूप में प्राप्त होगा, आर्थिक कारकों के रूप में, चाहे वो आपके आय के माध्यम से हो चाहे वो आपके रोजगार के माध्यम से हो। दूसरा जो दिया गया आप लोगों के भौगोलिक कारक है। अब भौगोलिक कारणों की अगर अपने बात करें, सर्दी गर्मी यानी प्राकृतिक जो कारक है, प्राकृतिक जो कारक है वो किसी वस्तु विशेष के पीछे की आवश्यकता बनती है। जिस प्रकार अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप स्वेटर वगैरह, जैकेट वगैरह तो नहीं खरीदोगे, क्यों नहीं खरीदोगे, क्योंकि समय विशेष के अंतर्गत उनकी आवश्यकताएं नहीं है। जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है हम उन्हीं चीज़ों को वर्तमान स्थिति के अंतर्गत खरीदना पसंद करेंगे, जिस प्रकार कोल्ड ड्रिंक या ठंडे पेय पदार्थ, क्यों,
क्योंकि गर्मी के अंतर्गत वो हमें राहत प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब गर्मी सर्दी जो मौसम है वो किसके अंतर्गत आता है आप लोगों के? भूगोलिक कारक या प्राकृतिक कारक। सामाजिक कारकों की बात करें, तीसरा जो आप लोगों के दिया गया है जिसमें जन्म मृत्यु विवाह शादी किसी प्रकार के अनुसंधान ये सभी किस में आएंगे? सामाजिक कारक के अंतर्गत आएंगे। अब बच्चे का जन्म होता है और उस जन्म के साथ उसकी आवश्यकताएं प्रारंभ हो जाती है। अगर बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ, किसी का विवाह नहीं हुआ, किसी की मृत्यु नहीं हुई, उस प्रस्तुति के अंतर्गत उससे जुड़ी हुई आवश्यकताएं भी उत्पन्न नहीं होंगी। जन्म के साथ व्यक्ति विशेष के आवश्यकताओं का प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु के साथ उनका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तो प्रत्येक चीज जो व्यक्ति विशेष के जीवन के अंतर्गत सामाजिक तौर पे हमें देखने को मिलती है, चाहे वो विवाह शादी हो, चाहे वो जन्म हो, चाहे वो मृत्यु हो, वो सभी चीज़ें किसको प्रभावित करती हैं? आवश्यकताओं को प्रभावित करती हैं, क्योंकि व्यक्ति विशेष के जीवन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्तर हमें देखने को मिलते हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और प्रत्येक अवस्था के अंतर्गत अलग अलग आवश्यकताएँ होती है। तो आवश्यकता को प्रभावित या नियंत्रित करेगा कौन? सामाजिक कारक। उसके बाद में अपने बात करेंगे धार्मिक कारकों में। धार्मिक कारकों की अगर अपने बात करें तो इसके अंतर्गत आप लोगों के जिस प्रकार कुछ शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी, यानी धर्म के आधार पर कुछ धर्म शाकाहारी हैं और कुछ क्या है? मांसाहारी हैं। अब शाकाहारी के लिए आवश्यकताएं अलग होंगी और मांसाहारी के लिए आवश्यकताएं क्या होंगी? अलग। शाकाहारी के लिए आवश्यकता क्या? अनाज। जबकि मांसाहारी के लिए क्या? मांस मछली, ये सभी उसकी क्या है? आवश्यकताएं। तो आवश्यकता का निर्धारण किसके आधार पर हो गया? धर्म के आधार पर। शारीरिक की अगर अपने बात करें तो शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति विशेष का जो स्वरूप है, अब कोई बीमार व्यक्ति है, अब बीमार व्यक्ति की आवश्यकता क्या है? रोगों से लड़ने के लिए क्षमता का निर्माण, वो किससे होगा? भोजन से, फल फ्रूट से, दूध से, वो क्या है उसकी आवश्यकता है? किस दृष्टि के अंतर्गत? शारीरिक रूप से। एक पहलवान है, अब पहलवान के लिए पहलवानी करता जब है तो उसके लिए सामान्य व्यक्ति की तुलना में उसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं? ज़्यादा ही होती हैं। अब व्यक्ति विशेष के शारीरिक रूप से या शारीरिक स्तर के आधार पर आवश्यकताओं का जो स्वरूप है वो क्या पाया जाता है? अलग अलग पाया जाता है। एक पहलवान की शरीर के लिए आवश्यकताएं अलग है, एक बीमार व्यक्ति के लिए अलग है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए अलग है। इसके बाद में आप लोगों के दिया गया है आदत एवं फैशन। अब आदतें प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती हैं, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। फैशन की बात करें तो समय के साथ जो बदलाव आते रहते हैं, भी पहले परिधान जो अलग थे अब परिधान अलग है, आने वाले समय के अंदर परिधान अलग होंगे। पहले पजामे कुर्ते पहनने का ट्रेड था, अब जींस वगैरह पहनने का ट्रेड है, कभी फॉर्मल का ट्रेड आ जाता है, कभी महिलाओं में साड़ी पहनने का आ जाता है, कभी सूट पहनने का आ जाता है, कभी अलग अलग परिधान समय के साथ बदलते रहते हैं। तो वो चीज़ें अलग अलग समय के साथ बदलने के कारण अलग अलग आवश्यकताओं को क्या करती है? जन्म देती है। और लास्ट आपका दिखावा। जब व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने पर तुलता है, यानी स्वयं को अलग प्रदर्शित करने का कार्य करता है या अलग रखने का प्रयास करता है, तो उस परिस्थिति के अंतर्गत उसकी आवश्यकताएं अलग हो सकती हैं। जिस प्रकार किसी को दिखावा करना है गाड़ी का, किसी को कपड़े का करना है, किसी को घर का करना है, तो उसकी सामान्य आवश्यकताओं की तुलना में उसकी आवश्यकताएं क्या होंगी? अलग होंगी। तो आवश्यकता को निर्धारित करने वाले तत्वों की अगर अपने बात करें तो सबसे पहला तत्व जो है वो आप लोगों के कौन सा है? आर्थिक कारक। यानी पैसा नहीं होगा जब तक हम आवश्यकताओं के बारे में सोच भी नहीं सकते। भूगोलिक कारक, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक स्वरूपों की बात की थी हमने, तो प्राकृतिक स्वरूपों के अंतर्गत आप लोगों के प्रकृति में जो बदलाव आते हैं उस बदलाव के आधार पर आवश्यकताओं का जन्म होता है। सामाजिक कारक, जन्म मृत्यु विवाह, ये जो सामाजिक तौर पर जितने भी जो कार्य होते हैं उन कार्यों के आधार पर उनकी आवश्यकताएँ पनती रहती हैं। इसी प्रकार धार्मिक कारकों में जिस प्रकार मैंने बताया कि प्रत्येक धर्म के अंतर्गत अलग अलग मान्यताएं होती हैं, हिंदू धर्म के अंदर शाकाहारी माना गया है, मुस्लिम धर्म के अंतर्गत मांसाहारी माना गया है, अनिवार्य यानी कि मुस्लिम जो भी हैं वो शाकाहारी या मांसाहारी हों, लेकिन व्यक्ति विशेष के धर्म के अंतर्गत अलग अलग मान्यताएं हमें देखने को मिलती हैं और उन मान्यताओं के आधार पर उनका जो आवश्यकता है वो भी अलग अलग होती हैं। शारीरिक आदतें, फैशन, ये सभी दिखावा, ये सभी किसको? आवश्यकता को अलग अलग रूप में उत्पन्न करने का कार्य
करती है। इसी के अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं की विशेषताएं। मानवीय आवश्यकताओं की विशेषताओं की अगर अपने बात करें तो सबसे पहली जो विशेषता इसके अंतर्गत दी गई है कि आवश्यकताएं अनंत होती हैं। आवश्यकताएं क्या होती हैं? अनंत होती हैं। व्यक्ति जब जन्म लेता है और उस जन्म के साथ साथ जैसे जैसे वो अपने जीवन के अंतर्गत आगे बढ़ता है तो प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग रूप में उसे देखने को मिलती है। यानी आज हमने 50 रुपये कमाया तो हमारी कल की इच्छा होगी कि हम 100 कमाएं, आगे वाले की 150, फिर 200, फिर 250। यानी हमारी आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है, क्योंकि आवश्यकता को उत्पन्न करने का कार्य है, उसको प्रभावी करने का कार्य इच्छा होती है, और व्यक्ति की इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती। तो सबसे पहली विशेषता क्या है भी, आवश्यकताएं क्या होती हैं? अनंत होती है, उनकी पूर्ति संभव नहीं है। दूसरी तरफ अगर अपने बात करें तो इसके अंतर्गत आप लोगों के आवश्यकताएं वो पुनरावर्त है, रिपीट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। रिपीट का मतलब क्या होता है? वापस। यानी कुछ आवश्यकताएं क्या होती है? पुनरावर्त होती है। जिस प्रकार भोजन सुबह किया, दोपहर किया, शाम किया, यानी समय के बाद उनकी वापस क्या होगा? पुनरावर्तन होगा, यानी वापस उनका क्या किया जाएगा? इस्तेमाल। तो आवश्यकताएं क्या है? पुनरावर्ती हैं। तीसरा जो आप लोगों के इसके अंतर्गत बात करें तो सब आवश्यकताएं एक साथ संतुष्टि प्रदान नहीं करती, किसी एक आवश्यकता की संपूर्ण संतुष्टि संभव है, जैसे भोजन की आवश्यकता। यानी एक समय विशेष के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को हम एक साथ उपयोग में नहीं ले सकते। कहने का मतलब है आवश्यकताएं अनेक, लेकिन एक समय विशेष के अंतर्गत हम केवल एक ही आवश्यकता को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। चौथा जो पॉइंट इसके अंतर्गत आप लोगों को याद रखना है कि कुछ आवश्यकताएं एक दूसरे की पूरक होती हैं। अब पूरक का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था आप लोगों को जिस प्रकार गाड़ी पेट्रोल, गाड़ी पेट्रोल का मतलब है गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता है। अब गाड़ी के संचालन के लिए पेट्रोल की आवश्यकता, इसका मतलब एक दूसरे के क्या है? पूरक। यानी एक के अभाव में दूसरे का इस्तेमाल संभव है नहीं है। गाड़ी है लेकिन पेट्रोल नहीं है तो उसका संचालन नहीं होगा, पेट्रोल है गाड़ी नहीं है तो भी उसका कोई उपयोग नहीं होगा। आगे बात करते हैं तो कुछ आवश्यकताएं आप लोगों के प्रतिस्पर्धी होती हैं। प्रतिस्पर्धी के अंतर्गत अपने को बात करें तो इसके अंतर्गत आप लोगों को पहले अगर अपने बात करें तो इसमें यदि किसी व्यक्ति विशेष को भूख लग जाती है और प्यास भी हो तो पहले वह आवश्यकता की पूर्ति होगी जो दोनों में तीव्र होगी। अब एक समय के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को भोजन की या भूख लगती है या प्यास लगती है, अब दोनों के अंदर क्या होगी? प्रतिस्पर्धा होगी। अब प्रतिस्पर्धा का मतलब है जो ज़्यादा होगा वो हम पहले उसको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। अब जिस प्रकार पानी की प्यास ज़्यादा है तो पानी का इस्तेमाल पहले करेंगे, अब भोजन की आवश्यकता ज़्यादा है तो हम भोजन के इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा का कारण बनता है उसकी आवश्यकता। यानी ऐसी चीज़ें जिनके अंतर्गत व्यक्ति विशेष प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करता है या प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती हैं वो आवश्यकताओं की विशेषता। यानी आवश्यकता की विशेषता क्या है? उसके पीछे की प्रतिस्पर्धा। इसके बाद अपने बात करें तो आप लोगों के आवश्यकताएं वो वैकल्पिक हो सकती हैं। आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं? वैकल्पिक। जिस प्रकार हमारे द्वारा पाँव में पहनने वाला जूता, पाँव में पहनने वाली चप्पल, पाँव में पहनने वाले सैंडल, ये क्या है? वैकल्प। क्योंकि पाँव के अंतर्गत किसी भी चीज़ का हम इस्तेमाल जब पहनने के लिए करते हैं तो उसका उपयोग समान होता है। पहनने का उद्देश्य कारण भी, नंगे पाँव चलने में दिक्कत होती है, किसी प्रकार का कंकर पत्थर लगने का भय होता है। अब उसका निवारण के लिए अपने क्या करेंगे? निस्तारण के लिए चाहे आप चप्पल पहन सकते हैं, चाहे आप जूते पहन सकते हैं, चाहे आप सैंडल पहन सकते हैं। अब आवश्यकता सेम है, उनके उपयोग के पीछे आवश्यकता समान है, तो वो हमें विकल्प के रूप में प्रदान करते हैं। यानी कहने का मतलब है आवश्यकताएं वैकल्पिक हैं। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो आदत बन जाती है। अब आदत, जिस प्रकार धूम्रपान या किसी प्रकार की नशे की प्रवृत्ति, वो आवश्यकता के साथ साथ धीरे धीरे हमारी क्या बन जाती है? आदत। तो आवश्यकता का एक गुण क्या है?
उसकी आदत बन जाना। उसके बाद में बात करते हैं अपने आवश्यकताओं की। जो भिन्न भिन्न तीव्रता होती है वो वर्तमान की आवश्यकताएं भविष्य की आवश्यकताओं से अधिक तीव्र होती है। भूखा आदमी भविष्य में रबड़ी खाने के बजाय वर्तमान में दाल रोटी खाना क्या करेगा? पसंद करेगा। यानी वर्तमान स्थिति और भविष्य की स्थिति, भविष्य में अपने को रबड़ी खानी है या कुछ ऐसा कुछ खाना है जो केवल हमारी इच्छा के अंतर्गत आता है, अनिवार्य नहीं है, उसकी बिना इस्तेमाल भी अपने जीवित रह सकते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर भोजन है तो भोजन का इस्तेमाल अपने करेंगे। यानी तीव्रता अलग अलग होगी, उसके उपयोग के पीछे की जो तीव्रता है वो अलग अलग। तो ये विशेषताएं थी कुछ विशेषताओं में। सबसे पहली विशेषता हमने पढ़ी, अनंत है, वैकल्पिक है, पूरक है, आदत बन जाती हैं। ये सारी चीज़ें हैं वो आवश्यकताओं की किसके अंतर्गत आती है? विशेषताओं के अंतर्गत आती है। ये आवश्यकताओं की सभी क्या थी? विशेषताएं थी। आगे वाले क्लास के अंदर इससे आगे का जो चैप्टर जो रहता है उसकी चर्चा अपने करेंगे। धन्यवाद।